तो भाई दशहरा मूवी आ चुकी है एंड क्या ये मूवी पुष्पा की तरह थी? तो आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से यार एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज भाई अभी चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो बात कर लेते हैं अगर दशहरा की, तो भाई क्या ये मूवी पुष्पा की तरह थी? तो भाई बिल्कुल नहीं। इसका हालांकि लुक देखने से हमको लग रहा था कि हाँ भाई ये एक दूसरी पुष्पा है, दूसरी पुष्पा। वेल अगर हमको जितना ट्रेलर देखने से लग रहा था तो एक साफ साफ फीलिंग आती है कि कोई कोल्ड माइन होने वाले हैं, यानी कि कोयले की खदान होने वाली है या मूवी कोयले से रिलेटेड होने वाली है। एंड ये एक क्या कहते हैं पीरियोडिक ड्रामा मूवी है भाई, इसका पुष्पा से कोई लेना देना नहीं। बिल्कुल एक सेपरेट अलग स्टोरी लाइन है जो कि एक रिवेंज के ऊपर बेस्ड है, प्यार बदला रिवेंज भाई जो इसकी स्टोरी लाइन है। हालांकि एक यूनिक स्टोरी लाइन है लेकिन भाई देखने से आप ये लुक होगे कि ये किस चीज़ से स्टोरी स्टार्ट कर दी, बहुत ही ज़्यादा छोटी सी चीज़ से स्टोरी स्टार्ट होगी एंड वो एंड होगा होते 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 भाई वो स्टोरी लाइन ऐसी जगह पहुंच जाएगी कि आप लोग अपनी कुर्सी की सीट बेल्ट पालोगे और कहोगे कि हाँ भाई ये हमने पिक्चर देखी है। मूवी में माल मसाले की तो पूरी कमी है। हाँ मूवी की थोड़ी सी जो मेरे को बुरी बात लगती है वो ये लगती है कि भाई इस मूवी में गाने बहुत ज़्यादा है एंड वो टाइमिंग उनकी गानों की बिल्कुल भी मैच नहीं करती। हालांकि शुरुआत के जब बस 20 मिनट हुए रहते तो उस वक्त हमको ऐसा लगेगा कि इस मूवी की स्टोरी खींची जा रही है। लेकिन भाई जैसे जैसे इसका फर्स्ट हाफ कंप्लीट होता है एंड जब इंटरवल से पहले 10 मिनट का जो इसमें मास एक्शन सीन आता है, वहाँ से जो भाई एकदम स्टोरी ट्विस्ट अप करती है, वहाँ से एकदम आप चार्ज्ड अप हो जाओगे इस मूवी के लिए कि भाई अब आगे क्या होने वाला है। एंड भाई इंटरवल के बाद से तो इस मूवी ने कमाल ही कर दिया था, झंडे ही गाड़ दिए एंड जो भाई फैंस का रिएक्शन था वो गजब ही लेवल का था। अब आप कहोगे कि इसका लुक पुष्पा की तरह क्यों? तो भाई जब आप लोग स्टोरी देखोगे तो आपको ही पता चल जाएगा। एंड इसका एक आप कहोगे कि ये काले क्यों बना रखा है, तो भाई उसका एक मेन रीज़न बहुत बड़ा दिखा रखा है, कोल माइन जहाँ की जमीन काली हो चुकी है तो वहाँ के इंसान क्यों निकाले होंगे। बाकी और ज़्यादा जानकारी आपको मूवी मिलेगी जो कि आपके नज़दीकी थिएटर्स में लग चुके हैं, आपने अभी तक नहीं देखी तो आप जा करके देख सकते हैं। लेकिन भाई बात करें दशहरा मूवी की, तो अगर इस मूवी के गाने नहीं होते, कोई एक आधा गाना होता या फिर स्टोरी लाइन को थोड़ा फास्ट रखा जाता तो ये मूवी और बेटर हो सकती थी। लेकिन भाई अभी भी मूवी काफ़ी अच्छी है, आप लोगों ने अगर नहीं देखी तो आपको ज़रूर जा करके देखनी चाहिए मूवी। एंड भाई बात करें मूवी में कोई इंटीमेट सीन्स, कोई किसिंग सीन्स ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल एक फैमिली फ्रेंडली मूवी है। हालांकि इसमें मास एक्शन बहुत ज़्यादा है, एक तो इंटरवल से 10 मिनट एंड जो भाई क्लाइमैक्स के टाइम मास एक्शन आता है वो देख करके अगर आप मास लवर हो तो भाई कहोगे कि ऐसी पिक्चर हमको और देखने के लिए चाहिए। खासकर की बात करो अगर मैं नानी की, तो भाई नानी इस मूवी में जैसे अपने कैरेक्टर में ढले हैं वो चीज़ें बहुत ही ज़्यादा तारीफ के काबिल है। आप लोगों ने अगर ये मूवी नहीं देखी, आप जब देखोगे तो आपको पता चलेगा कि नानी की एक्टिंग इसमें क्या जबरदस्त। तो भाई अगर ओवरऑल मिला करके बात करूं तो अगर आप गाने इस मूवी के इग्नोर कर सकते हैं या आप थोड़ा सा गानों को एक इरिटेशन के तौर पर ले सकते हैं कि हाँ भाई गाने इरिटेट कर देते हैं मूवी के, क्योंकि गाने इतने अच्छे नहीं है। हालांकि एक आधा गाना अच्छा है लेकिन उनकी टाइमिंग परफेक्ट नहीं है। सो अगर आप गानों को इग्नोर कर सकते तो भाई एक मूवी वन टाइम वॉच मूवी जरूर है आप लोगों की फैमिली के लिए। तो भाई अब आप लोग मुझे नीचे कमेंट में बताओ क्या आप लोगों ने दशहरा मूवी देख ली। तो बस भाई आज की वीडियो यहीं तक की थी, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।